हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ विमेन हाइजीन के बारे में। आज का प्रोडक्ट है वी वॉश, हम देख सकते हैं ये प्रोडक्ट। तो दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि जो लोग अपना वेजिनल हाइजीन को इग्नोर करते हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, तो आगे चल के उनको हो सकता है कि कुछ बड़ा सा डिजीज हो जाए या फिर यूरिनल इन्फेक्शन, और यूरिनल इन्फेक्शन से बहुत सारी ऐसी बीमारियां होता है जिसके वजह से प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ सकता है फ्यूचर में। तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। वजीना एक बहुत प्राइवेट हम लोगों का सेंसिटिव पार्ट होता है, उसको क्लीन रखना हम लोग सबके लिए बहुत जरूरी है, हर वुमेन के लिए, खासकर पीरियड्स में। तो ज्यादातर जो महिलाएं होती है वो साबुन से अपना वजीना को साफ कर लेती है, जो कि एकदम ही सही नहीं है। उसका कारण मैं आपको बता दूं कि क्यों हम लोग वीवस को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि क्यों हम लोग साबुन को छोड़ के वीवस जैसे कुछ लिक्विड को बोल रहे हैं कि इसको यूज कीजिए। पहले कारण तो ये है दोस्तों कि हमारा जो वेजिनल मीडियम होता है वो एसिडिक होता है, उसका पीएच होता है, सही वेजिनल मीडियम का पीएच होता है 3.5। तो जो साबुन होता है वो होता है बेस। तो जितनी देर तक आपके वेजिना सही पीएच में रहता है तब तक वो आपका कोई भी इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, इन्फेक्शन बैक्टीरिया को रेजिस्ट करता है फॉर्म होने में या फिर अंदर यूट्रस में जाने में। तो जब तक तो हम लोगों का सबसे पहले ये देखना है कि आपके वेजिना का पीएच बैलेंस सही रहे 3.5। और जो साबुन होता है वो होता है बेस। अब बार बार अब दिन में वो साबुन लगा के वजीना को साफ करेंगे तो वो एसिडिक मीडियम डाइल्यूटेड हो जाएगा, और डाइल्यूटेड होने से बैक्टीरिया ज़्यादा फॉर्म करेगा, उसके वजह से यूरिनल इन्फेक्शन हम लोगों का ज़्यादा होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसके लिए साबुन ना यूज़ करके वीवस जैसे जो सही पीएच मेंटेन करता है आपके वजीना का, वैसा कुछ लिक्विड आप यूज़ करें। तो ये दावा करता है कि आपका वेजिनल पीएच 3.5 रखता है और ये एसिडिक है। तो दोस्तों, इसको इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैं बता देती हूँ आपको। ये लैक्टिक एसिड इसका मेन इंग्रेडिएंट है, बाकी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है लेकिन लैक्टिक एसिड मेन है इसका। और इसका यूज़ है ये कि आप दिन में एक बार मिनिमम इसको यूज़ कीजिए, इसको यूज़ करके सफ़ेद पानी से वजीना को साफ कीजिए। साबुन जैसे ही यूज़ करते हैं ऐसे ही ये बिना स्मेल का और बिना कलर वाला ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड है, ठीक है। इसको आप एक बार मिनिमम एक बार यूज़ कीजिए, या फिर ज़्यादातर तीन बार आप यूज़ कर सकते हैं इसको दिन में। तो दोस्तों, आते हैं साइड इफ़ेक्ट पर। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट मुझे आया नहीं है, मैंने इसको बहुत दिनों से यूज़ किया है, इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ है नहीं है। तो दोस्तों, इसको आप बिना झिझक के यूज़ कर सकते हैं और साफ रखिए। और पीरियड्स में तो ज़्यादातर लड़कियों का जलन खुजली जो होता है, बदबू होता है, वो ये ज़रूर यूज़ कीजिए, और इसको यूज़ की करने से वो बदबू भी चला जाता है और बहुत रिलैक्स फील होता है। तो दोस्तों, आइए मैं दिखा देती हूँ कि ये कैसा लिक्विड है, और इसका लाइट जब मैं देती हूँ। इसका पैकेजिंग बहुत बढ़िया है, ऐसा कैप होता है, इसको खोलेंगे आप, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसको आप साबुन की तरह वजीना में लगा के सफ़ेद पानी से धो लीजिए, बस यही है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए कुछ जानना है तो, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।